इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पहले। हाँ ठीक है, तो एक एक्सिस में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ले रहा हूँ एक्स, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में वाई। कहने का मतलब है जो भी फोर्स है उनको हमें इन्हीं डायरेक्शन में शो करना है, राइट। इसका वेट 20 न्यूटन नॉर्मल लगेगा ऊपर, F1 तरफ 10 न्यूटन, और जो F2 है उसकी डायरेक्शन ये है, तो इसके दो कंपोनेंट इस तरफ कॉस और इस तरफ साइन, F2 कॉस 30 इस तरफ और F2 साइन 30 ऊपर की तरफ होगा। देन F3 इस तरफ लग रहा है, इसका कॉस कंपोनेंट इधर, कॉस 60 इधर होगा, कॉस 60 इधर और साइन 60 इधर, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ लग रहा है F3 साइन 60, राइट, और उसका एक कंपोनेंट आगे की तरफ लग रहा है F3 cos 60 डिग्री, ठीक है। सारे फोर्सेस को मैंने यहां पर शो कर दिया। नाउ समझना क्या वाई डायरेक्शन में इसका मोशन होगा, अभी चेक कर लेते हैं। वेट 20 न्यूटन, F3 sin 60 कितना होगा, F3 sin 60, F3 कितना है 20√3, sin 60 इज √3/2, राइट, तो 30 न्यूटन है ये, ठीक है। ये फोर्स है 30 न्यूटन, नीचे फोर्स लग रहा है 20 प्लस 30 मतलब 50 न्यूटन, और F2 साइन 30 ऊपर लग रहा है, ये कितना है, ठीक है। F2 इज 20 साइन 30 मीन्स हाफ, तो 10 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है, तो 50 न्यूटन नीचे 10 ऊपर, तो सीधी सी बात है ये ग्राउंड को नहीं छोड़ सकता है, ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा, और ग्राउंड के कांटेक्ट में रहता है तो y कंपोनेंट फोर्स का जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। फोर्स के y कंपोनेंट को जीरो करो तो उस केस में नॉर्मल फोर्स आ जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है ना, नॉर्मल फोर्स 40 न्यूटन आ गया। देन हम इसका एक्सेलरेशन की बात करें, तो इसके अलावा x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो सारे इस तरफ लग रहे हैं, मतलब इसका एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए a। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इधर कितना लग रहा है, ठीक है, F2 cos 60, सॉरी F3 cos 60, F3 क्या था 20√3 cos 60 हाफ, तो 10√3, तो ये हो गया। F1 कितना था, F1 की वैल्यू क्या थी 10 न्यूटन, और F2 क्या था 20, F2 की वैल्यू क्या थी, F2 की वैल्यू क्या थी, F2 20 न्यूटन, इट इज 10√3 और F1 10 न्यूटन है, ठीक है। तो नेट फोर्स इधर किस कितना लग रहा है 10√3 प्लस 10√3 प्लस 10 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 2 kg, राइट। सो एक्सेलरेशन इज 5, ठीक है, इट इज 10√3 प्लस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
स्मूथ सरफेस पर दो ब्लॉक रखे हैं, बोथ आर कनेक्टेड विद अ लाइट थ्रेड, मास्कलेस थ्रेड से जुड़े, ठीक है। आगे हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, दैट इज 15 न्यूटन। नाउ फाइंड आउट एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, एक्सीलरेशन बताना है, और दूसरा टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा ये भी बताना है। देखो इस चीज को पहले थोड़ा एनालाइज करो, दोनों ब्लॉक कॉमन थ्रेड से जुड़े हैं, ठीक है, दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम होना चाहिए। ये अगर आगे बढ़ेगा तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक का भी होगा, अगर नहीं हुआ तो दो बातें हो सकती है, या तो थ्रेड टूट जाएगा इनके बीच का, या फिर थ्रेड लूज हो जाएगा। अगर इसका एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाए तो थ्रेड लूज होगा, और इसका एक्सीलरेशन ज्यादा हो गया तो थ्रेड टूट जाएगा। इसका मतलब यह है कि दोनों साथ में चलना चाहिए, दोनों का एक्सीलरेशन सेम। तो अब याद करो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे इस तरह के केसेस, तो पहले तो मैं कंबाइंड सिस्टम ले लेता हूं। तो इन दोनों ब्लॉक का अगर कंबाइंड सिस्टम लिया जाए तो उस केस में क्या टेंशन फोर्स एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा? इंटरनल, क्योंकि ये थ्रेड सिस्टम के अंदर आ गया, M2 M1 को आगे खींचेगा, M1 M2 को पीछे खींचेगा, राइट। तो अब एक ही एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस केस में, इस डायरेक्शन में है। वेट और नॉर्मल इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हम जानते हैं मोशन इस तरफ हो रहा है, ठीक है, तो हमें सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है। तो इस डायरेक्शन की बात करो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है F, दैट इज इक्वल टू M1 plus M2 into A, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा तभी कर सकते हैं जब दोनों का एक्सीलरेशन सेम हो, राइट। F is 15, मास is 5 kg, so 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन निकालना है, टेंशन के लिए आपको इन में से किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा, ठीक है, जिसका आपका मर्जी हो वो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। M1 की बात करें अगर, तो M1 पर कौन से फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? टेंशन। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? एक्सीलरेशन A, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हमने निकाल लिया। सो फोर्स मतलब टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। व्हाट इज मास? 2 केजी into acceleration, that is 6 newton. क्या एक और तरीका था कि हम M2 का free body diagram बनाते हैं, उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो M2 आगे, एक तो ये फोर्स लग रहा है F, और दूसरा थ्रेड इसको पीछे खींचेगा with tension T, right? इसका motion आगे की तरफ हो रहा है, acceleration 3 meter per second square, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स वो एफ माइनस टी। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स एफ माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इज 3 केजी, राइट, टी इक्वल टू एफ माइनस टी, एफ इज 15 न्यूटन माइनस 3a 9 16, ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो।
देखो समझना, तीन ब्लॉक है, तीनों कनेक्टेड है आपस में, दो स्ट्रिंग्स है वन और टू, लाइट स्ट्रिंग्स है, एफ फोर्स हम इसको खींच रहे, स्मूथ ग्राउंड है राइट। तो आपको बताना है, समझना, तो मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग वन कैन बियर इज 20 न्यूटन। स्ट्रिंग वन जो है वो 20 न्यूटन से ज्यादा टेंशन को बियर नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग वन कैन बियर इज 20 न्यूटन। तो आपको बताना है व्हाट कुड बी मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन सिस्टम विदाउट ब्रेकिंग स्ट्रिंग वन। स्ट्रिंग वन को तोड़ना नहीं है हमें, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है एफ की। तो अगर आप फोर्स एफ को बढ़ाते हो तो टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन 20 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो रस्सी जो है वो टूट जाएगी स्ट्रिंग वन। तो मैक्सिमम एफ फोर्स की वैल्यू बताना जिसमें ये सिस्टम एक साथ चल सके, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग वन, सही है। देखो स्ट्रिंग वन कैन बियर अप टू 20 न्यूटन टेंशन, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। क्या करो, ब्लॉक वन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, पहला वाला जो ब्लॉक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन स्ट्रिंग वन का टेंशन टी वन लगेगा, तो डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन होगा, तो टी वन इज इक्वल टू मास दैट इज 2 kg इनटू एक्सीलरेशन, समझना। अगर आप एक्सीलरेशन बढ़ाते हो तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ता है, एक्सीलरेशन बढ़ाने पर टेंशन बढ़ेगा, मतलब हम जानते हैं कि टेंशन 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हुआ तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगी राइट। तो मैक्सिमम टेंशन इज 20 न्यूटन, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी एक्सीलरेशन की 10 m/s², उससे ज्यादा एक्सीलरेशन नहीं हो सकता है, हुआ तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। अब हम जानते हैं कि तीनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे, आपस में जुड़े हैं, तो एक साथ एक ही एक्सीलरेशन से चलेंगे, तो और ये एक्सीलरेशन किस पर डिपेंड करता है, इस फोर्स पे राइट। पूरे सिस्टम का पर एफ बी न्यूटन्स लॉ लगा है, तो नेट फोर्स कितना हुआ, एफ इज इक्वल टू टोटल मास दैट इज 10 kg इनटू एक्सीलरेशन। तो अगर आप फोर्स बढ़ाते हो एफ, तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, और एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो वो टेंशन टी वन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो उस केस में टी वन की वैल्यू 20 न्यूटन पर एक्सीलरेशन 10 है, 10 m/s², उस वक्त जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये थ्रेड टूट जाएगा, ठीक है। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू 10 रखो, फोर्स आ जाएगा 100 न्यूटन। सीधी सी बात है, F must be less than 100 Newton if these blocks are to move together, ठीक है। तो ज्यादा बहुत तो स्ट्रिंग टूट जाएगी,
तीन ब्लॉक है स्मूथ सरफेस पर रखें, पुश करते हैं विद फोर्स 60 न्यूटन, देन फाइंड आउट नॉर्मल फोर्स बिटवीन 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। 1 2 को पुश करेगा, 2 3 को पुश करेगा, तो 1 और 2 के बीच में और 2 और 3 के बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो बताना, ठीक है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो बताना है। देखो इस केस में तीनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा, ठीक है ना, तीनों का एक कंबाइंड सिस्टम बनाया जाए। इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन है ए, तो आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, नेट फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ हो गया 60 न्यूटन, मास 6 kg, सो एक्सेलरेशन इज 10 m/s², हर ब्लॉक 10 m/s² एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। इन दोनों के बीच का फोर्स बताना है, तो आप M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहा है M1? एक तो ये बाहर से फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, ठीक है, और जब जैसे ही आगे जाएगा वैसे ये प्रेस करेगा M2, तो M2 को ये आगे पुश करेगा और M2 इसको पीछे पुश करेगा, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में जो नॉर्मल फोर्स है उसको मैं N12 कह रहा हूं, तो 1 और 2 के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज N12, ये फोर्स M1 पर पीछे लगेगा और M2 पर आगे लगेगा, और एक्सेलरेशन 10 m/s², ठीक है ना, तो इस पर न्यूटन सेकंड लॉ लगा लो, तो जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ नेट फोर्स कितना है, 60 - N12 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 1 इनटू एक्सेलरेशन 10, सो 1 और 2 के बीच में 50 न्यूटन नॉर्मल फोर्स लगेगा रिएक्शन। ऐसे 2 और 3 के बीच की बात करें तो आप M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, M3 पर कौन सा फोर्स लग रहा है बाहर से, सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा M2 जो इसको पुश करेगा बस वो, और कोई नहीं, तो M2 इसको आगे की तरफ पुश करेगा विद अ फोर्स N23, 23 मतलब 2 और 3 के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसी के कारण ये आगे जाएगा विद एक्सेलरेशन 10, तो इस पर भी न्यूटन सेकंड लॉ लगा लो, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 3, इस पर फोर्स लगेगा 30 न्यूटन, तो इन दोनों के बीच फोर्स लगा 50 न्यूटन और इस पर लगा 30 न्यूटन, ठीक है ना। तो अगर फाइनली हम इनको फोर्सेस को शो करें तो देखो कैसे होगा, समझ जा, तीनों पर लगने वाले फोर्सेस को मैं शो कर रहा हूं, इस ब्लॉक पर बाहर से फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन और ये इस पर फोर्स लगा रहा है इस तरफ 50 न्यूटन, तो नेट फोर्स इस पर लगा 10 न्यूटन आगे की तरफ, इस ब्लॉक पर नेट फोर्स हो गया 10 न्यूटन आगे। ऐसे M2 की बात करें, M1 इसको पुश करेगा विद इक्वल फोर्स 50 न्यूटन, M3 इसको पीछे की तरफ पुश करेगा विद फोर्स 30 न्यूटन, तो इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स हो गया 20 न्यूटन,
ऐसे M3 की बात करें तो इसको इक्वल फोर्स लगेगा इस पर 30 न्यूटन का, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स है 30 न्यूटन। ठीक है, अब तीनों का एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए, तो आप देखो इसका मास 1 केजी, तो 10/1 एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड इस पर। इसका मास है 2 केजी, फोर से 20 न्यूटन, 20/2, तो एक्सीलरेशन 10 न्यूटन 10 मीटर पर सेकंड इस पर। मास 3 केजी, तो 30/3 एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड इस पर। तो तीनों साथ में चल रहे हैं, मास अलग है इसलिए तीनों को अलग अलग फोर्स की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह से इनके बीच में फोर्सेस लगेंगे, राइट। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ब्लॉक मास एम का इसके ऊपर रखा गया। ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये स्लाइड करके नीचे की तरफ आएगा, तो आपको बताना है एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड सेकंड नॉर्मल रिएक्शन बाय प्लेन। ठीक है, प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन और एक्सीलरेशन बताओ।